हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स महरोज जावेद हेयर एंड यू आर वाचिंग देसी गॉन वाइल्ड। तो भाई अभी बुर्जमान खड़ा हो, भाई का वेट कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर में भाई आता है। अभी ऑफिस से निकला था आज, एक्चुअली जल्दी निकल आया था क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप ठीक करवाना था ऑफिस का, ऑफ़िस के लिए। एक्चुअली ऑफिस से मुझे अभी तक इशू नहीं हुआ लैपटॉप, तो क्योंकि इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है तो आई होप के जल्दी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए और वो हायर कर ले मुझे। तो इसके बाद भाई लैपटॉप शैपटॉप सारा कुछ आई थिंक देंगे, तो वो भी आप लोगों को अपडेट करूँगा क्या दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं। पे रोल का भी बताने की कोशिश करूँगा अगर अच्छा मिला तो। तो इसके अलावा अभी बुर्जमान उतरा हूँ। बुर्जमान बेसिकली ये यूनियन स्टेशन है। यहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन चलती है वो टू लाइन होती है, एक ग्रीन लाइन मेट्रो कहते हैं एक को, और एक को कहते हैं रेड लाइन मेट्रो। तो ग्रीन लाइन मेट्रो किसी एक स्पेसिफिक एरिया तक आती है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से, जैसे कि एतिसलात से लेकर यूनियन और आगे जो है आपका बुर्जमान तक आती है ग्रीन लाइन। फिर अगर आपको उधर से आगे किसी और ऐसी जगह जाना है जहाँ पर वो ग्रीन लाइन मेट्रो नहीं जाती, तो देन यू हैव टू टेक रेड लाइन मेट्रो। तो फिर आप बुर्जमान, ये इंटरचेंज स्टेशन है, इसी तरह यूनियन भी दूसरा इंटरचेंज स्टेशन है। ये दो दुबई में इंटरचेंज स्टेशन है। आप फिर एक जो ट्रेन है उससे उतरते हो, उसके बाद आप अपनी लाइन स्विच करते हो। अगर मैंने एतिसलात की तरफ जाना है तो फिर मुझे रेड से ग्रीन पे जाना पड़ेगा। अगर एतिसलात से बिजनेस बे या दुबई मॉल या एक्सपो की तरफ जाना है या क्रीक की तरफ जाना है तो फिर मुझे लेना पड़ेगा मेट्रो, कौन सा, ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे स्विच करना पड़ेगा। तो अभी बस पता नहीं गाड़ियाँ शाड़ियाँ पास से बहुत गुजर रही हैं, लेकिन आप लोगों को आवाज़ क्लियरली आती है कि नहीं आती। तो बस जब तक भाई का वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा सोचा कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग शूट करूं। और ये वैसे अभी ये वाला जो है थोड़ा कमर्शियल एरिया, तो आप लोगों को पीछे बिल्डिंग्स वगैरह भी नज़र आ ही रही होंगी, तो मैं वैसे भी आपको एक व्यू दिखाता हूँ। तो दे यू, तो भाई ऐसा हुआ है कि इशारा बंद है और ये सारा आपका बुर्जमान है। तो अब ये तो बुर्जमान हो गया आपका। इसके अलावा अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। एक्चुअल मैं इंटर्नशिप पे बिज़ी हुआ, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा ना वीडियोस वगैरह बनाने का। सुबह बुलाते हैं, रात को छोड़ते हैं, निचोड़ देते हैं, जान निकाल देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ इसके ऊपर, आपकी पूरी मेट्रो स्टेशन के कंटेंट के ऊपर, कि कैसे जो है मेट्रो, इफ़ यू वांट टू गेट अ मेट्रो कार्ड हाउ टू गेट इट। और इसके अलावा अगर आप लेना चाह रहे हो कोई क्या कहते हैं उसको, मेट्रो कार्ड में पैसे आपने चार्ज करवाने हैं, जो कार्ड होता है, एक्चुअली कार्ड मेरे पास ही है, मैं आप लोगों को कार्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये अब सामने वो हुआ है स्टॉप, इशारे पर ट्रैफिक स्टॉप हुई भी है और लोग मुझे देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, कैमरे से बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी हवा तेज है। तो ये है भाई नॉल कार्ड। नॉल कार्ड का आप यूज़ करते हैं, ये इस तरह का दिखता है, आरटीए का साइन है इसके ऊपर, और ये नॉल, इसके अंदर भी कैटेगरीज आते हैं। ठीक है, अब वो कैटेगरीज क्या होते हैं कि यू कैन गेट इट अ ब्लू कार्ड, ग्रे कार्ड, गोल्डन कार्ड। फिर इसके अलावा वो सीटिंग के ऊपर होता है कि आपको ट्रेन में सीटिंग्स किस तरह की मिलती हैं आफ्टरवर्ड्स। इसके अलावा आपको मिलता है पैकेजेस ले सकते हो आप, अगर आपका मेट्रो के करीब करीब में कहीं पे स्टेशन है, ऑफिस है, या जहाँ भी आप जॉब करते हो या बिजनेस है आपका। सो आप इनका वो मंथली पैकेज वाला, मंथली भी होता है आई थिंक, 3 मंथ वाला भी होता है, उसके ऊपर आपको इकट्ठे पैसे पे करने पड़ते हैं, और यू ऑल्सो गेट अ डिस्काउंट ओवर इट। तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है उसके ऊपर, और वो भी अच्छी चीज़ है। मतलब फिर आपका ये है कि आपका वो मंथ का पैकेज है, तो ये मैं आपको बस, ये भी इनकी बसेज हैं, जो ये मेट्रो बसेज हैं बेसिकली, एक तो गुजर की एक ही है। तो ये
ये आपको उतारती हैं काफ़ी जगह पर, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अब ये बुर्जमान मेन स्टेशन है मेरे पीछे ये वाला ना, तो अगर अब सम टाइम ऐसा होता है कि आपका स्टेशन के करीब में ऑफिस नहीं होता तो आपको फिर अपने ऑफिस तक वॉक करने के जाना पड़ेगा, तो उससे फार बेटर ये है कि अगर वॉक नहीं करना चाह रहे तो ये बसेस मेट्रो स्टेशन, ट्रेन जहाँ पर रुकेगी वहाँ से ऑनवर्ड ये मेट्रो स्टेशन चलता है, ठीक है, तो ये मेट्रो बसेस चलते हैं, तो आप ये मेट्रो बस लेके जा सकते हो और मेट्रो बस लेके जा सकते हो, ये आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स टावर्स और स्टॉप्स के पास उतारती है, जो आपको करीब तरीन अपने ऑफिस से लगता है तो आप वहाँ पर उतर सकते हो, ये भी इनकी बहुत अच्छी सर्विस है। और आई थिंक इसमें भी कुछ इस तरह की कैटेगरी है कि अगर आप शायद 30 मिनट्स से कम का ट्रैवल करते हो इस बस के ऊपर तो फ्री है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा की ट्रैवलिंग है तो फिर ये 3 दिरहम चार्ज करते हैं आपको, ट्रिप पर ट्रिप 3 दिरहम चार्ज करते हैं, तो ये भी इनकी बहुत अच्छी सर्विस है एक। बाकी भाई वो बुर्जमान का स्टेशन है सामने, बोर्ड पे लिखा हुआ है बुर्जमान, और ये एक इनका घोड़ा, तो ये पाकिस्तान के हिसाब से तो मैंने इसको बुर्जमान की जगह नाम दे दिया घोड़ा चौक का, तो ये आज से घोड़ा चौक है। तो भाई मस्जिदें वगैरह बहुत खूबसूरत हैं, एक आध व्लॉग आपके लिए मस्जिदों के ऊपर भी बनाऊंगा, बहुत खूबसूरत मस्जिदें बनी होती हैं इधर, और जो जो कवर कर सका करूंगा आप लोगों के लिए। बाकी अभी ट्रैफिक देखो आप, अभी लोगों को छुड़ी है तो ट्रैफिक का ये सीन है। तो बाकी अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो ए थोड़ा बोनांजा आया अजय, ए बोनांजा हूँ ए नहीं पता कि ए बोनांजा पाकिस्तान वाला ही है या कोई होर है, तो फिर अब आगे भाई आता है तो गाड़ी में वीडियो कंटिन्यू करूँगा, मैं वो मोबाइल हाथ में उठा उठा के भाई शोल्डर में दर्द निकल आई है, और आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाता हूँ रोड्स वगैरह का कार से शूट करके। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली भाई सीन ये है कि अभी भाई की कॉल आई है तो बता रहा है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उसको 10-1 मिनट लग जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जो 10 मिनट लगना ही है उसको तो मास्क पहन लिया, क्योंकि यहाँ पर लोग करीब करीब में हैं, तो जो 10 मिनट लगना ही है सो वाई नॉट टू विज़िट बुर्जमान मॉल, तो भाई चलो आप लोगों को ले कर चलता हूँ बुर्जमान मॉल में, थोड़ी देर उसका वेट भी हो जाएगा और हम देख भी लेंगे, मॉल भी देख लेंगे। सो फाइनली वो यार इन द मॉल, और भाई लाइटें पड़ रही हैं, रंग साफ हो गया भाई का, और मॉल है सामने आपके, मतलब एज सच बड़ा मॉल नहीं है लेकिन यहाँ पर मॉल्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, लाइक कॉम्पैक्ट कंजस्टेड नहीं है, खुले खुले कॉरिडोर्स हैं, और भाई हर चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पर, सामने फिली है ठीक है, फिर फेवरेट है अपना, और सबसे बेस्ट पार्ट इनकी ज़ाफ़रानी टी है, यहाँ से तो एग्ज़िट हो गया, मॉल एग्ज़िट है, तो हम चलते हैं ऊपर, बालों की हालत ख़राब, मास्क है यूजुअली लूज़, तो बस एस्केवेटर पे चढ़ते हैं, राइड लेते हैं और बाकी मॉल डिस्कवर करते हैं, तो अभी आप आगे हो, मैं मॉल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
वाइड एंगल पे मैं इसलिए नहीं ज़्यादा कैमरा का करता क्योंकि वाइड एंगल पे करने से कैमरा क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, मैंने ये काफ़ी दफ़ा नोट किया है। पता नहीं ये रोडोल्फो जेंगा करके ब्रांड है, पता नहीं कौन सा है, मैंने पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कोई। भाई घूम गया हूँ, एग्जिट नहीं मिल रहा, तो किसी से पूछना पड़ेगा एग्जिट किधर। ऐसा सीन है भाई कि बड़ा भाई आ गया बाहर, तो यहाँ पर पार्किंग का बहुत इशू होता है और उस खाली आप रोड पे किसी भी जगह पर अपनी जो गाड़ी होती है वो पार्क नहीं कर सकते, या मतलब अगर आपको किसी का वेट भी करना है, इफ़ यू हैव टू वेट फॉर समवन तो यू हैव टू पार्क योर कार समवेयर लाइक बस स्टॉप और आइदर टैक्सी स्टैंड, तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं आपको देते क्योंकि वो सारी कमर्शियल प्लेसेस होती हैं, कमर्शियल हब्स होते हैं, तो लोगों को जल्दी होती है निकलने की। और यहाँ पर चलान्स बहुत हैवी किस्म के हैं, और अगर आपको चलान पड़ गया लाइक इन एयरपोर्ट टेरिटरी तो भाई वो तो 2,000-2,500 दिरहम से नीचे नहीं होने वाला, तो 2,000-2,500 दिरहम तो पाकिस्तानी बन जाते हैं कोई ऑलमोस्ट 1,00,000-1,25,000, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप अपनी करेंसी में बताओ कि आप लोगों को कितने का पड़ेगा, पाकिस्तान वालों को तो पता चल गया भाई 1,50,000 रुपया क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं बाहर, और आज भी बहुत थकावट हो गई है, कल फ्राइडे है तो मोस्ट प्रोबेबली वर्क डे विल बी हाफ, और अभी बस ये यहाँ से एस्केवेटर से नीचे उतरते हैं और इसके बाद हम लोग हैं बाहर, ठीक है। तो फिर इसके बाद गाड़ी में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। और भाई लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं, ये रहा नीचे जाने वाला एस्केवेटर आ गया, और अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा स्टेबिलिटी का इशू आता है, ठीक है। तो अभी देखता हूँ कि एग्जिट किधर से है, सामने कोई एग्जिट तो लग रही है लेकिन निकल के देखना पड़ेगा कि ये कौन सी साइड की एग्जिट है। घुसा पता नहीं किधर से था, निकल पता नहीं किधर से रहा, तो एक्चुअली मुझे ऊपर ही जाना है वापस। तो भाई फाइनली भाई पहुंच गया और वो वेट कर रहा है सामने, बस फिर गाड़ी में बैठूंगा और आप लोगों के लिए टाइम लगूंगा। ये रही सामने अपनी गाड़ी, ठीक है, तो बस गाड़ी में बैठता हूँ, इसके बाद आप लोगों के लिए गाड़ी से कार व्यू टाइम लैप्स चलाऊंगा अच्छा सा, ठीक है, ओके सी यू।